हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे रिदांस मॉम ब्लॉग में। आज मैं आपको एक सिंपल सी झटपट बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। यह है आलू शिमला मिर्च की। बहुत जल्दी बनती है और इसके लिए जो एक इंग्रेडिएंट लगेगा हमारा, ये टमाटर लगेगा। बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, सरसों का तेल। ठीक है, इतना सा तेल लगेगा इसमें। आप चाहे इस सब्ज़ी को रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी, बट मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। अब हम तेल गर्म होने तक का वेट करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है अच्छे से, तो ठीक है, मेथी दाना गर्म हो रहा है। तब तक देख सकते हैं ये मेथी दाना मेरा अच्छे से पक गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी इसी टाइम, ताकि हल्दी कच्ची ना रहे। ठीक है, फिर हम गैस स्लो करके ये सब्जी इसमें डाल देंगे। इसी टाइम हम टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने देखिए छोटे छोटे ही चंक्स में काटे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम इसको। इसी टाइम हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। सब्जी को हम अच्छे से मिक्स करके, फिर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रखेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया है मेरा टोटल। देखते हैं सब्जी हो गई है नहीं हुई है, धीरे चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखिए मेरी सब्जी अच्छे से हो गई है। इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। यही कितनी अच्छी लग रही है सब्जी बनी, कलर देखिए कितना प्यारा आया है। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और कुछ सेकंड के लिए इसे ढक के रख दूंगी। देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, कितनी यमी लग रही है। और ऐसी रेसिपी देखने के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए झटपट बनती है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है और सिंपल रेसिपी है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो, रेसिपी व्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।